नमस्कार, मैं हूं मदन राज और आप देख रहे हैं राज तक न्यूज। मैं इस समय जौनपुर में हूं। बता दें कि जौनपुर में बहुत ही दर्दनाक घटना हुई। 28 अगस्त को एक बहुत बड़ी डकैती होती है सुल्तानपुर नगर में, सर्राफ की दुकान में। उसमें नाम आता है कि प्रशासन के अनुसार कि इसमें मंगेश यादव का नाम आता है, और मंगेश यादव क्या के साथ कौन सा व्यवहार करती है उत्तर प्रदेश पुलिस, ये तो सबका पता है। लेकिन हम बता दें कि इस समय पड़ोस के बगल में मौजूद हैं, तो दादाजी से पूछेंगे कि मंगेश यादव जी को जानते थे आप? हाँ हाँ, चोर ना रहा। चोर ना रहा? ना ही ना रहा, का डकैत ही रहा, चोर ही रहा वो। तो दादाजी जब चोर डकैत ना रहा तो फिर पुलिस मरलस कहाँ? कहा जानी, अब जबरी पुलिस ले जाए मान ना हो नाते कहा करे के अलग, मतलब कि यादव जी रहना करे ले नाते और कहा मारे नहीं अहमद कब जबरी गोली मार के कहा कह सके। तो बहुत में मीडिया में छपल कि मंगेश के भी पहले पुलिस उठा के ले गई ले, कब थाना पुलिस कहीं भैल ले कहीं ले रहा, शंका बस ले रहा, लेकिन तुरंत छोड़ दे छोड़ दे। हाँ, तो दादाजी जब पुलिस उठा के ले गए बगलिये में तुम्हारे घर बा, तो पता चलल तो तुरंत ही भग ले रहे को चोर ना यहाँ छोड़ दे। रात में कब बजे करीबन? अब कहा जानी, 1 बजे 2 बजे रात ले गए हैं, पता ना भैया हम रहे थोड़े ही। अच्छा, मंगेश का कभी चोरी वोरी में नाम ना? ना ही चोरी में ना जहा हो कहीं, कभी ना कभाव ना आए। तो मंगेश करत कर रहा घर में? हाँ, मंगेश का कलकत्ता बम्बई गाड़ी पे कैलेंडर ही करते रहा अपने बाप के साथ। अच्छा अच्छा। हाँ, आज 1 महीने 2 महीने से आ रहा है घर ही। तो मंगेश कितना भाई हूँ? माई बाप को अकेला हूँ कि भाई हूँ? अकेला ही है। को बहन? एक बहन या एक भाई रहा। अच्छा। हाँ, तो पावर ट्रक चलाते रहा वही पर रहा रहा। अच्छा अच्छा। हाँ, 2 महीने से यहाँ आ रहा। तो फिर पुलिस कहाँ कहते कि जो चोरी भैले सुल्तानपुर नगर में? अब शंका बस तुम मार ना, शंका बस चोरी हमें लिखा आई दे दर्जन कह दे फलाने चोर हैं, तो हम चोर ही समझते हैं हमें, लेकिन जब हमें पकड़े होते चोरी चेर तब न मानी। यानी अलग मतलब आपका ही है कि चोर ना हम ना ही नाव में रहना हो? ना ही ना, हमारा आया 2-3 महीने से घरे बाप बम्बई से आए हो, 16 साल का लड़का है। मंगेश के देखले रहू हम? ना देखे ना देखले ना ही। हाँ, जब इतना बड़ा रहा तब के देखी है। अच्छा अच्छा, लेको भर के? हाँ है, इतना बड़ा रहा। तो कब सुने ले रहू वैसे मंगेश चोरी करत हूँ? ना ही हम कब हूँ साहेब, ना ही सुने ना सुने ना ही ना ही ना ही ना ही। हम भगवान को पढ़ा कर हम कब हूँ सुने ना रहे, मैंने लेके ईमानदार रहो। हाँ, हम कब हूँ भगवान को पता कि लोग कहते हैं कि थाने में उनके नाम से मुकदमा दर्ज है। मुकदमा दर्ज हो, कतल कहीं आवे कुल कहीं आवे, लेकिन चोर ना आ जाए एकदम गारंटी के साथ। एवर का चला हमारा फुटवा लिए, एवर का लिए सबूत पूरा गंगवा भर। हाँ, गंगवा हम जिम्मेदार नहीं, हम अपन जिम्मेदार है। गंगवा में सब तू हंगा रहा, आखिर देखे भी जब का करे नहीं ना कहे गंगवा में लोग बोलत हमारे हिसाब से। तो ये बता दादा कि मैंने कभी नाम उनका ना आवत ना रहा चोरी छपी ना आवत रहा जाँच कहिए चोर ना रहा वो है। तो फिर अभी आप कहते रहो दादा कि यादव होने के नाते मर लगा कि उत्तर प्रदेश सरकार कितना नफरत है यादव से? और कैसे और कहा जो मरवाए हैं ससुर जमन इनकर बहन चौधरी मोदी सार जोगी ना आए हैं, जोगी को गुंदे ना है जमन की अहिजन कोर्ट ना पहले उन्हें वोट ना देते हैं नाते मरवावत हैं। यानी आप कहते दादा कि वोट ना यादव दे रहे हैं इसीलिए यादव को योगी जी मरवा रहे हैं? और कहा मरवावत है योगी जोगी। अच्छा, तो दादाजी योगी जी के अब जो आप आरोप लगाओ तो उनके मरवा के काम मिले उनके उत्तर कहना कि हमारा काम है पूरे उत्तर प्रदेश को सुरक्षा में देना। अरे कुछ नोचा प्रदेश देते हैं जिस देते हैं भगवान जानते हैं, भाई दिखाई सकरंथ लील गाय और सकरंथ गोरू देश के गांव में आ रहता है। योगी मोदी कमन इंतजाम के हैं, जब अखिलेश कह रहे हैं कि माल हमको व्यवहार चालू कर दिए रोजगार तो लील गाय हमारा जी होते हैं गोरू चलाक होते हैं सब बिजनेस हो लागत गणित मारत हैं जोगी है मोदी दोनों जने पूरे देशवा के काल के अनुसार उत्तर हम जाते नहीं ऐसे मोदी ये दोनों चला जाए तब निकबा। तो जनता हराई तब ना दादा जब जनता जी गांव में रहा है बनारस हम से जौनपुर से जिचाए रहत गए जौनपुर से बाबू सिंह कुशवाहा। हाँ, तो कहा बाबू सिंह का कुशवाहा काम करिए कब है काम करिए जो जीता लो जौनपुर से काम करल छ बाहर में जाने करबे 21 साल 5 साल करबे खबर कुछ करबे बोले जैसे जीत जाबे तो 5 साल गड़िए मरबे कवर कुछ मरबे। तो ये ठीक है लेकिन आपके जो शब्द भी हो लेकिन हमारे का अलग मतलब दादा ये है कि योगी जी का कि राशन देते हैं सिलेंडर देते हैं आप राशन देते हैं हमारे से कुटवे कुल कटाबे कुटाना ना ही
और कुछ पूछे तो और बताई हम तो ये बता बोल है गोरु चलना लील गाय खा ले तो लील गाय पकड़ सरकार के काम है सरकार जो का मारे जे हो तब ने यानी कहला के मतलब कि जन पहले मारत रहला उ सही रहला और बिल्कुल साफ रहा है गोरु चला जात रहे लील गाय चला जात रहा कुल मेला लागत रहा मेला बंद करा जे है और सब नुकसान रहा जितना भी फसल नुकसान और का भवे सब जन भी झटक पटक हजार मशीन लगावत है ओम सतु तो नवत है तार बतावत है सर तो अभी सरकार अभी चुनाव आने वाला है तो जैसे अखिलेश यादव जी दो बार बार हार चुका लोगों चुनाव तो फिर 27 में आई तो फिर जीती है कि हम जानते हैं जीती कि न जीती जब कुल जात सारे लायक बैठे जैसे धोबी गांव में रह लेते हैं लोहार गांव में रह लेते हैं चमार गांव में रह लेते हैं गोसाई गांव में रह लेते हैं ठाकुर अपने गांव में रहते हैं चाहिए कितनी मेहनत करें यानी तो और कहा मतलब कि सबके वोट दे तब जाके योगी हरिहं और का करे जब सब एक में उठिए दें तब तो हाथ जावे कहीं चला अच्छा यहाँ यादव कितना बस्ती कितना लोग यादव बहुत कम बात है तब करीब ज़्यादा ज़्यादा 3-4 से बात है यादव हाँ तो यहाँ के प्रधान जी काम ठीक कर लो अरे प्रधान जो ठू आए कमाऊ हरियाणा में अगबे नहीं करी चौहान जी हाँ कमाऊ अगबे नहीं करी तो जब आऊँ ना तो 4 वर्ष प्रधान कैसे होते हैं जिन मतलब सुन लेवे ये चौहान बाटे ज्यादा अच्छा जात पात की लड़ाई है पानी पूरा के यहाँ क्या है भारत चल अगर ये बने जो तो कहीं लगते आप पानी बरसा लान तो हम तो पता ही लागत है ठीक है बरसात में वही चावल जो हाँ चलिए ठीक है बता दें कि मंगेश के पड़ोसी लोग हैं दादी जी कह रहे हैं कि मैं छोटा था तो मैं देखा था और मैंने छोटा बच्चा था मंगेश और दादाजी का कहना है कि यादव होने के नाते हाँ 16 साल के लड़के कितना डाका मारत बा यानी 16 साल उम्र रहा मंगेश अबर की कदा है अबर नान का लड़का और तब तक डाका बंदूक चला लिया गोली तब बतावत है सप्ताल बतावत है गोली ठीक है दादाजी कहना है कि मंगेश 16 साल का उम्र है उनका और 16 साल में कितना कोई डकैती करेगा ये तो प्रशासन को बताना पड़ेगा बाकी आपकी क्या राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए इसी खबरों के लिए राज तक न्यूज चैनल देखते रहिए।